बीसी, बट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बैंकिंग लेट इज 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी को मॉडर्न बैंकिंग जो है यहाँ पे बनाया गया था। इन 1608 बैंक ऑफ एम्स्टर्डम मीन्स होलैंड में, 1961 में बैंक, और बैंक ऑफ हैमबर्ग, हैमबर्ग जो है जर्मनी का, वो 1694 में जो है वहां पर क्रिएट किया जाता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड वेयर फाउंडेड, ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है यहाँ पर फाउंड किया जाता है। द वर्ड बैंक इज सेड टू बी डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड बैंको, ठीक है। बैंक का जो है इटालियन वर्ड पहले क्या था, बैंको था, विच इज उसका, इसका जो है प्रोनाउंसिएशन जो फ्रेंच में होता है, फ्रांस में वो होता है बैंक। ओके, रिफर टू अ बेंच, मतलब एक बेंच, मतलब आप देखोगे वहां पे बैंक में कि ज्यादातर बेंचेस वगैरह होते हैं, ठीक है। जब अपन कोई भी डिपॉजिट या फिर करने जाते हैं तो बेंच टेबल सारी चीजें रहती है। ओके, सो इन एंशिएंट मनी ट्रांजेक्शन वेयर टाउन एंड ट्रेडर सिटिंग ऑन अ बेंच, ठीक है, क्योंकि जितना भी मनी ट्रांजेक्शन होता है वो बेंच के ऊपर बैठ करके सारा जो है बैंकिंग का काम किया जाता है। नाउ ए डे बैंक रिफर टू द इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द मनी, और अभी वही बैंक जो है एक इंस्टीट्यूशन बन गई है जो कि रिलेटेड टू मनी जो है ट्रांजेक्शन करती है। क्लियर है बैंक का मतलब क्या होता है? आवाज आप लोग को अच्छे से क्लियर आ रही है ना? यस मैम। कोई डाउट है बैंक में? अभी बैंक का मतलब क्या हो गया, पता चल गया? सिंपली है, बहुत सिंपल है कि बैंक का मतलब होता है कि एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारे काम होते हैं, और एक ये गवर्नमेंट के लीगल फॉर्मेलिटीज को, क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही ये बैंक बनता है, ठीक है। ऐसी कोई भी बैंक नहीं बन जाता है। ओके, सो देयर आर द गिवन डेफिनेशन, यहाँ पे सारे डेफिनेशन दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। बैंक इज अ बिजनेस ऑफ कैपिटल और इन राइट वर्ड मनी, ठीक है। देन बैंक इज इंस्टीट्यूशन व्हिच रिसीव डिपॉजिट इन ऑर्डर टू रिडीम द डेब्ट ऑफ अदर म्यूचुअल लोन्स, ठीक है। लोन्स वगैरह भी हमको यहाँ पे मिलते हैं, रिसीव डिपॉजिट जो भी करते वो। द बैंक इज अ ट्रेडर ऑफ लोन ऑफ अदर्स एंड सेल्फ बैंकर। जस्ट वेट बेटा, ओके, जस्ट नाउ देयर आर सो मेनी डेफिनेशन, यहाँ पर डेफिनेशन आप देखोगे दिया हुआ है। देयर आर टाइप्स ऑफ बैंक, कितने टाइप्स के बैंक होते हैं। एक है कमर्शियल बैंक, है इंडस्ट्रियल बैंक है, ठीक है। अपन एक एक करके पढ़ते जाते हैं कि कमर्शियल बैंक क्या होता है। क्या होता है कमर्शियल बैंक का मतलब बताइए। एनीबॉडी नोस क्या होता है कमर्शियल बैंक? क्या होता है कमर्शियल बैंक, क्या होता है? नहीं पता नहीं। आप लोगों को क्या पता है, मेरे को बताओगे थोड़ा सा? आप लोगों को बैंक का मतलब नहीं पता, आप लोगों को कमर्शियल बैंक का मतलब नहीं पता, इंडस्ट्रियल बैंक क्या होता है बोल दो, वो भी नहीं पता।
एक सिंपली बैंक का मतलब आपको नहीं पता चल रहा है? कमर्शियल बैंक मीन्स बैंक हु फैसिलिट प्रॉपर इकोनॉमिक मैनेजमेंट फॉर अ बिजनेस एंड प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स आर कॉल्ड कमर्शियल बैंक। रोमाना इसको रीड कर दो बेटा, कमर्शियल बैंक को। यस मैम। रीड करो। बैंक हु फैसिलिटीज प्रॉपर इकोनॉमिक मैनेजमेंट फॉर अ बिजनेस एंड प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स आर कॉल्ड इकोनॉमिकल बैंक। दे आर जॉइंट स्टॉक बैंक बिजनेस। देयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू मेनी शेयर। द स्कोप ऑफ कमर्शियल बैंक हैज वाइडेंड एंड सो अकॉर्डिंग टू मैम ये ग्रुप This name is illusionary. Illusionary commercial banks deposit in the form of fixed deposit, saving banks account, current account, and recurring deposit account, and they advance money to the general public in the form of short term loans, cash, credits, other drafts, etc. Apart from receiving money and lending loans, a commercial bank performs a number of functions towards their customers, which are called as agency function of banks. Some of mature commercial banks are as follows: State Bank of India, Punjab National Bank, Dena Bank, Vijay Bank, Canara Bank, Bank of Baroda, Bank of Maharashtra, etc. ठीक है, तो कमर्शियल बैंक में कौन कौन से बैंक आ जाते हैं यहाँ पे? जितने भी, सबसे पहले तो कमर्शियल बैंक वो होते हैं जहाँ पर अपन को लोन, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन जो हम लोग को प्रोवाइड किए जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट, सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट और भी जो रिकरिंग डिपॉजिट मतलब RD जो है यहाँ पे खुलवाए जाते हैं। ठीक है, कैश क्रेडिट यहाँ पे होता है, ओवरड्राफ्ट होता है, पब्लिक सर्विसेज को देने के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जाते हैं। तो ये कमर्शियल बैंक मतलब, कमर्शियल बैंक का मतलब होता है एक तरीके से बिजनेस वाला बैंक है ये। ठीक है, ताकि हम जो है लोग जो है यहाँ पे इजिली तरीके से लोन भी प्रोवाइड कर सके और साथ ही साथ अपना जो भी पैसा पैसा का जमा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी बैंक्स। फर्स्ट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, ये सारे जो है ना गवर्नमेंट बैंक है ज्यादातर। ये जितने भी बैंक्स है ना कमर्शियल बैंक, ये अंडर द गवर्नमेंट क्राइटेरिया के अंदर बनी हुई रहती है। ठीक है, ये पूरा जो है गवर्नमेंट बैंक, देख सुने होंगे आप लोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी गवर्नमेंट है, पंजाब नेशनल बैंक ये भी गवर्नमेंट के बेस पे, देना बैंक ये भी गवर्नमेंट है। ठीक है, विजया बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, दिस आर ऑल द इंडियन बैंक। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल बैंक। अब इंडस्ट्रियल बैंक क्या होते हैं ये बताएंगे अभिषेक मिश्रा। अभिषेक नहीं है मैम वो, हाँ लेफ्ट हो गया मैम वो, नहीं तो कम बच्चे में इंसान कैसे पढ़ाएगा बताओ, ओनली वन स्टूडेंट है। तो कम बच्चों में कोई कैसे पढ़ा सकता है? ठीक है, चलो चैप्टर में ऐसे खत्म कर देते हैं। इंडस्ट्रियल बैंक, दोस बैंक व्हिच प्रोवाइड इकोनॉमिक असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज
इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स. जो लॉन्ग टर्म लोन्स जो है इंडस्ट्री बैंक से जो है वो दिया जाता है, जैसे कि IFCI बैंक, ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन. सेकेंड है आपका नेक्स्ट है इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक. दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक. नाउ थर्ड इज एग्रीकल्चर बैंक. एग्रीकल्चर बैंक में आएगा आपका, वी डोंट हैव सेपरेट एग्रीकल्चर, ठीक है, सेपरेट एग्रीकल्चर बैंक इन आवर कंट्री नहीं है. दिस वर्क इज परफॉर्म बाय द फॉलोइंग बैंक्स. कौन कौन से बैंक इस एग्रीकल्चर बैंक में आते हैं? एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, एग्रीकल्चर ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक. तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन बैंक में जो है आप देखोगे, दिस बैंक प्रोवाइड अ शॉर्ट टर्म लोन टू द फार्मर. एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म लोन देती है फार्मर लोग को टू एग्जिस्ट कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्रेडिट मतलब क्रेडिट सोसाइटी से विलेजेस, जो छोटे मोटे विलेजेस होते हैं ना वहां से बिलोंग करते हैं लोग, ठीक है, विच इज फार्मर्स आर प्रोवाइडेड लोन. जो कि लोन जो है वो इन लोग को दी जाती है, फार्मर्स लोग को दी जाती है. देन सेकेंड है लैंड डेवलपमेंट बैंक. दिस बैंक प्रोवाइड लोन फैसिलिटी टू फार्मर फॉर अ पीरियड एक्सटेंडिंग फ्रॉम 5 to 25 years, ठीक है. ऐसे लैंड डेवलपमेंट बैंक है जो कि लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है फार्मर लोग को 5 से 25 साल तक के, ठीक है. सबसे पहले वाले में जो है वो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है फार्मर लोग को, और सेकेंड वाले में जो लैंड डेवलपमेंट बैंक जो मिलती है वो लोन उनको प्रोवाइड करती है 5 से 25 साल तक के. देन आफ्टर आपका फॉरेन एक्सचेंज बैंक. फॉरेन एक्सचेंज बैंक में क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ दिस बैंक इज टू मैनेज फंड फॉर द फॉरेन ट्रेड. दिस बैंक आर एंगेज इन परचेस ऑफ सेल एंड फॉरेन, मतलब जो भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड होते हैं ना वो फॉरेन एक्सचेंज बैंक में. जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज बैंक में जो है जो भी अगर करेंसी, अगर आप बाहर गए हो काम करने के लिए और आपको करेंसी यहाँ पर ट्रांजेक्शन करानी है, उनको एक्सचेंज करानी है फॉरेन करेंसी से इंडियन रुपये में अगर बदलनी है, तो उस बैंक में जाके जो है आप उसको करवा सकते हो, ठीक है. नाउ नेक्स्ट है आपका सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको अपन RBI बोलते हैं, ठीक है. ये सारे इसको बोला जाता है द बैंकर्स ऑफ बैंक. आप देख रहे हो नेक्स्ट पैराग्राफ में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड अ बैंकर्स ऑफ बैंक, ठीक है. इसका मेन ब्रांचेस जो सिचुएटेड है, सबसे इसका मेन हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है, ठीक है, RBI जो है मुंबई में है, लेकिन इसका मेन ब्रांचेस जो है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में है RBI का. देन आफ्टर रिलीजियन रूरल बैंक. रिलीजियन रूरल बैंक में बता रहा है इन ऑर्डर टू डेवलप बैंकिंग फैसिलिटी इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया. रूरल बैंक का मतलब, रूरल का मतलब क्या होता है, विलेज, ठीक है, विलेज में उनके रीजनल हिसाब से जो है बैंकिंग वहां पर सेटअप करते हैं फॉर देयर डेवलपमेंट, वहां के एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, स्मॉल फार्मर्स लोग को डेवलप करने के लिए, वहां के लेबर्स लोग को डेवलप करने के लिए, स्कल्पचर्स लोग को जो है डेवलप करने के लिए, ठीक है. तो इसलिए वो बैंक जो है वहां पर बनाया जाता है ताकि वहां का एरिया, वो गाँव, वो जो विलेज है वो डेवलप कर सके. नेक्स्ट है आपका इंडिजियस बैंक. इंडिजियस बैंक में क्या होगा, इन इंडिया दे आर एड्रेस बाय वेरियस नेम्स ऑफ सच एज मनी लेंडर, महाजन एक्सेट्रा. इसमें क्या बता रहा है, जो इंडिजियस बैंक जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मनी लेंडर और महाजन. मनी लेंडर का मतलब जो पैसे उधार पे लेते हैं, ठीक है, वो लोग इस जगह पे आके जो है काम करते हैं, उनसे लोन वगैरह या फिर वेरियस नेम्स ऑफ एड्रेसेस यहाँ पर दिया जाता है. देयर आर फाउंड एवरी नोटबुक कॉर्नर ऑफ द अवर कंट्री एंड आर द स्टिल एग्जिस्टिंग फंक्शनिंग रूरल एंड रिमोट एरिया, ठीक है. यहाँ पर जो है लोग जो इंडिजिनियस बैंकर जो होते हैं ना, ये रूरल एरिया और रिमोट एरिया लोग के ऊपर ही फंक्शन करते हैं, सिर्फ उन लोगों को डेवलप करने के लिए फंक्शन की जाती है. सो इंडियन बैंकिंग एक्ट हैज नॉट गिवन देन रिकॉग्नाइजेशन of a bank of bankers, but there is role and importance cannot be ignored. Then after आपका 8 है Exim Bank. Exim Bank में क्या होता है कि its full name is Export or Import Bank. इसका पूरा नाम जो है Export or Import Bank of India. Exim Bank बोलते हैं इसको. In short, Exim Bank. इसको अपन short में इसको Exim Bank बोलते हैं. This bank are found in January 1982 and its head office is located as Mumbai. इसका head office जो located है मुंबई में. This bank perform general banking function related to the export and import. जो भी हम अगर मान के चलो कोई भी सामान हो, things
गुड अगर परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से, तो अपन को इस वाले बैंक में जाके जो है अपन इजिली उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं. द मेन फंक्शन इंक्लूडिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट. दे आर कहाँ गया फाइनेंशियल सपोर्ट. इट्स मेन फंक्शन इंक्लूडिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ इंडिया. फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर द जॉइंट सेक्टर सिचुएटेड टू फॉरेन लैंड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड टूल्स ऑन द बेसिस ऑफ द and the basis of the lease they also purchase export bills discounted and the bills of the matlab koi bhi agar hum purchase karte hain export se export karte hain ya koi bhi cheez apan import karte hain machines ho gaya tools ho gaya uske upar jo hai foreign exchange mein jaake apan bank mein apna. aap log itna sab late kyu aa rahe hain? Ayush Chaturvedi, Aarti, Harsh, Vishwakarma, आपको पता नहीं है कि 12:20 से जो है आप लोग की बिजनेस का क्लास स्टार्ट हो जाता है और आप लोग डेली ये चीज अटेंड नहीं करते हुआ है. एनीबडी हैव आंसर? नाउ नेक्स्ट इज नबार्ड. नबार्ड का क्या मतलब होता है? इन फुल नेम इट इज फुल नेम ऑफ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. आप लोग अगर देखोगे इसमें इस जितने भी अभी तक पढ़े हो इसमें आपको ये पता चला होगा कि ज्यादातर जो है रूरल डेवलपमेंट में ही बैंक जो है यहाँ पे बनाए जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए, गाँवों को डेवलप करने के लिए. तो नबार्ड जो है सबसे पहले 1982 में जो है इसको बनाया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए. नबार्ड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म्स लोन, मीडियम टर्म्स लोन एंड एडवांस टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, रिलीजियन रूलर्स बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. दोज बैंक व्हिच प्रोवाइड द मैनेज फंड फॉर एग्रीकल्चर, स्मॉल एक्सेल स्केल इंडस्ट्रीज, देन स्कल्पचर, then rural industries and hand art and economic activities are entitled for a facility of fine refining from the NABARD. ठीक है, तो इस जगह पे जो है आके उन्होंने नबार्ड में जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए, वहाँ के एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए. और एक जो ये जो है एक नेशनल बैंक है हमारे इंडिया को, ठीक है, ऐसे रिमोट एरिया को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए ये नबार्ड बनाया गया है. एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट्स? किसी को भी कोई पॉइंट्स में से दिक्कत है? टाइप्स ऑफ बैंक में कोई भी डाउट नहीं है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कोई भी डाउट नहीं? सब क्लियर है? यस मैम. Now our next topic is function of commercial bank. क्या function है हमारे commercial bank का? आरती, function का क्या मतलब होता है? आरती, function का क्या मतलब होता है? Function of commercial bank, function का क्या मतलब होता है आरती? आकाश, आकाश, आयुष, हाँ बोलो 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 आकाश बोलो. आकाश बोलो, क्या काम किया जाता है वहां पे? फंक्शन का मतलब काम किया जाता, क्या काम किया जाता है बताइए. बैंक में कौन कौन से काम होते हैं बताइए, जो जो है स्टूडेंट्स.
बताइए जल्दी। बताइए जल्दी स्टूडेंट्स। आप लोग कोई जवाब क्यों नहीं देते, मेरे को समझ नहीं आता है। क्या हमेशा हम ही लोग बोलते रहे क्या? फंक्शन क्या होते हैं आरती? फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या होता है, मैं पूछ रही हूँ। मुझे रिटर्न में नहीं लिख के चाहिए, आप खुद अपने चालू करो अपना माइक और बोलो क्या होता है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। टेल मी आरती क्या होता है, अभी बोले क्या बताऊं। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या होता है बताइए। ओके नाउ क्लास इज ओवर।